नाउ फॉर द एमसीक्यूज दैट अगर मेरे पास दो सर्कल के एरिया का सम जो है वो थर्ड सर्कल के एरिया के सम इक्वल है तो मेरे पास जो नियर सर्कल का रेडियस है उसमें पुराने सर्कल के रेडियस का स्क्वायर ऐड हो जाता है, ठीक है। और अगर सर्कल फ्रेंड्स इक्वल है तो मैंने किया था कि आर हो गए सिंपल आर वन प्लस आर टू बच जाता है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। यानी तब हमने कोई एरिया को इक्वल करके कोई कुछ नहीं करा क्योंकि कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी पास हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर टू है मेरे पास 10th 9th का क्वेश्चन हमने पास किया था जिसमें हमने एक सर्कल को एक स्फीयर के अंदर जो है डिस्क्राइब किया था। तो तब मैंने आपको कहा था कि सर्कल को जब मैंने स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब किया था तो मैंने आपको कहा था कि इसका डायमीटर और साइड वो बराबर हो जाए, am I right? Yeah? ये चीज लास्ट में स्टडी करो। अब कहां तक 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 चाहिए? हां जी बेटा, वो हमने सेमी सर्कल के बीच वाले की बात की थी। अब हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 10th फ्रॉम द एमसीक्यू आई हैव सेंड टू यू। मेरे पास क्वेश्चन था, नाउ द एरिया ऑफ द स्फीयर दैट कैन बी डिस्क्राइब इन अ सर्कल। अब एक सर्कल के अंदर स्फीयर को डिस्क्राइब किया, ध्यान से देखना। फाइंड द एरिया ऑफ द स्फीयर inscribed in a circle of radius 8 cm. मेरे पास हो गए कि सर्कल का रेडियस 8 है। अगर सर्कल का रेडियस 8 है तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ठीक है ना। ये मेरे पास बेसिकली डायमीटर रख क्या सकता है। अब मैंने स्क्वायर का एरिया निकालना, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बेटा 100% मुझे साइड चाहिए। मैं क्या करूंगी, साइड ये x तो ये भी x, ये 90 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो गए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास यहां बच्चे गलती कर जाते 16 स्क्वायर 2x स्क्वायर जो है 16 स्क्वायर, ओके जी x स्क्वायर and 16 into 16 by 2 that is 8। अब पूरी जरूरत नहीं है, आप क्या करते हो कि हमें देखिए साइज भी से चाहिए या हमें x निकालनी है, एरिया निकालना है तो ये एरिया ही है, इसमें एरिया कैलकुलेट करने को कहा है ना। तुम क्या करते हो पहले x जी अंडर रूट ऑफ दिस जी पहले लिखो, आपको क्या चाहिए यू नीड एरिया और एरिया
हाँ जी बेटा देखिए तब गाया भी जाना चाहिए। अब एक चाहिए चाहे गाया हो मीटर का रिलेशन हो या मेरे पास वो रेडियस का है ना वैसे ही, क्योंकि अगर आपके पास r is equal to r1 plus r2 रहता है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं a b b ये b1 ये b2 कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर नंबर जो रेडियस का रिलेशन है वही डायमीटर का रिलेशन। तो अब बेटा उसने कहा डायमीटर ऑफ द सर्कल मूव। अब यहां एक चीज मैंने आगे नहीं पढ़ा था, मैंने सर्कमफेरेंस वाला लगा था, उसने मुझे क्या कहा हूज एरिया इज। अब एरिया दिया स्फीयर आ जाएगा, सर्कमफेरेंस वाला नहीं दिया मुझे, चाहे वो डायमीटर का स्फीयर हो या रेडियस का। डायमीटर क्या है, डायमीटर का मतलब था तो रेडियस का है तो रेडियस जो है हूज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल हूज रेडियस इज। उसने पर एंड में रेडियस या पहले डायमीटर कोई बात नहीं। अगर आपको r1 तो वे 24 दे दिया है और r2 7 दे दिया है तो d1 कितना हो जाएगा 48, d2 40। यहां वैल्यू के अकॉर्डिंग ओके जी। हां जी बेटा एरिया में हमारे पास मैंने आपको बताया था कि एरिया इक्वल होते हैं तो r स्क्वायर किसके इक्वल होता था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये बात मैंने बताई थी। अगर मैं सारों को 4 से मल्टीप्लाई करती 4 r स्क्वायर 4 r स्क्वायर 4 r2 स्क्वायर इसको लिख सकती हूं 2 r1 स्क्वायर, इसको लिख सकती हूं 2 r2 स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ d1 स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ d2 स्क्वायर और इसको लिख सकती हूँ d स्क्वायर। यानी चाहे डायमीटर का हो फंक्शन चाहे रेडियस वाला है हम दोनों पे बोल रहे हैं, ये नहीं लगता ये सर्कमफेरेंस के था ना। मैंने आपको क्या कहा कि आगे अभी हमने पढ़ा ही नहीं था, उसमें क्या बात की है एरिया, एरिया में स्क्वायर वाला और सर्कमफेरेंस में सिंपल विदाउट पावर बस इतना पे बिठा लो। कोई क्वेश्चन करने की जो पूरा लेंथी स्टेप कर दो बात क्लियर होगी बेटा, वो आपकी फास्ट करनी है ओके जी। हां जी नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट मैं आपको बताने लगती हूं, जस्ट वेट। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा मेरे पास, दैट इज कि हमारे पास वर्ड पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस में डिफरेंस मैं आगे भी बता चुकी हूँ फिर बता रही हूँ। अगर मुझे कहा जाए एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर लेना है तो बेटा मैं ये कर्व्ड पाथ भी काउंट करूंगी और नीचे वाली लाइन भी बात करूंगी। पेरीमीटर में अगर दिस इज आर पेरीमीटर ऑफ दिस तो पाई आर आएगा, पाई आर क्यों आया सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस का आधा हिस्सा प्लस टू आर या डी एक ही बात है। लेकिन अगर लिखा जाता सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करो तो सर्कमफेरेंस में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो सिंपल हम पाई आर का ओके बेटा क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां पर। हाँ जी तो अब इसी पर बेस लेट अस डू द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दैट। हाँ जी व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द एमसीक्यू मेरे पास, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर जो है प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर। हम मैंने डी कैलकुलेट कर ली। अब बेटा क्लियर कट है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस टू आर
ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 36, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, आर 2r 36, टेक एलसीएम 7, तो मेरे पास 22r प्लस 14r 36, ये कितना बना 36r बाय 7 इज इक्वल टू 36, और r की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो डायमीटर कितना बन गया 14। बात तो वही है, कॉमन लो या एलसीएम लो, कंबाइन तो करना ही है ना पुत्र, है ना? क्या क्या बेटा, वो पूरे सर्कल का होता है ना 2πr, तो सेमी का मतलब आधा, और आधा मतलब 2πr को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया πr। ओके जी, हाँ जी, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर जो गए 14th मेरे पास हो गए, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बट डिफरेंस क्या है, लेट अस सी 14th एमसीक्यू जो गए मेरे पास। हाँ जी बेटा, इट इज गिवन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट दे राइट, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। बिल्कुल, पेरीमीटर पहले में क्या था, पेरीमीटर दिया था हमने, डायमीटर कैलकुलेट किया, अब क्या है, रेडियस दिया है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, सिर्फ जो है फॉर्मूला आना चाहिए पुत्र, बस। आर की वैल्यू 3.5, 7.0, 0.5, 11 प्लस 7 18। अगर आप क्लास में बैठ के खुद निकालोगे, कैलकुलेशंस एंड तक करोगे, मैम योर माइक इज नॉट वर्किंग। हाँ जी बेटा, तो मेरे पास क्लियर कट ये भी हो गए बेटा 7/2 है, ये भी 7/2 है। अब बेटा अगर ये दोनों 7/7/2 है, अब मुझे ये निकालना है ये पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है,
So that means 2 pi r divided by 4. So that means ye cut ke 2. Pi ki value 22 by 7 by 2. Aur r ki value 7 by 2. So mere paas 7 se 7 cancel. Ab jab ye 7 se 7 cancel ho gaya beta. So what I get here? Haan ji, 11 by 2. Haan ji. ओके जी इकट्ठा कर लेते हैं 2 टाइम्स 7 बाय 2 जितना भी आंसर आया दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर गुड ओके बेटा क्लियर नाउ कम टू नेक्स्ट अच्छी बात है बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे पास क्या है बेटा देखिए द डायमीटर ऑफ द टू सर्कल्स जो है सेम ही क्वेश्चन है पिछले जैसे यहां पर बात की गई D1 की 38 D2 18 देन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हैविंग सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल सिंपल अगर डायमीटर निकालना तो क्या करें और सर्कमफेरेंस इक्वल है तो क्या करेंगे दोनों सर्कमफेरेंस को दोनों डायमीटर को ऐड कर देंगे तो सिंपल आंसर मेरा क्या होना चाहिए 56 कितना इजी हो गया ना अब पता चला कैसे करने हमने हाँ जी बेटा इसमें कितने सम्स हम नव्या कर चुके हैं सर्कमफ्रेंस जो है सम ऑफ टू सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है ठीक है और दो डायमीटर दिए गए हैं एक का डायमीटर निकालना बेटा बस ठीक है जी चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल exceeds the diameter by 16.8 centimeter then the radius of the circle हमें कहा गया है कि r calculate कीजिए अब बेटा देखिए circumference का formula क्या होता है 2 pi r r निकालना है तो इसको भी 2r में change कर दें हाँ जी ये इधर आके minus हो गया 16.8 हाँ जी 22 by 7 इंटू टू आर मैंने निकालना है तो ये 44 बाय 7 आर माइनस 2 आर 16.8 अब क्या करें बेटा एलसीएम ले 44 आर माइनस 14 आर सिट डाउन बोथ ऑफ यू नाउ इक्वल्स टू 16.8 हाँ जी 20 आर बाय 7 सॉरी 30 आर 16.8 and r is 16.8 into 7 by 30 calculations karo and you will get your answer okay ji ye 44 by 7 r kyunki pi ki value 22 by 7 22 ko 2 se kiya 44 by 7 r okay ji कैलकुलेशंस करोगे बेटा तो आपका हाथ जल्दी चलेगा सिर्फ बैठोगे तो नहीं समझ पाओगे मैथ्स में चलो आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा व्हाट इज रिटन हियर इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 फाइंड द सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर जो है ऑफ ए सर्कल इट इज रिटन द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस And the radius is 37.
अगर मैं देखूं बेटा 2 पाई आर माइनस आर इज 37, हाँ जी 44 बाय 7 आर माइनस आर इज 37, ये गया 44 में से 7 चले गए, 37 आर चेक कर लेना ओवर 7 इज 37, तो आर की वैल्यू कितनी आई 7। हमें क्या निकालने को कहा है, सर्कमफेरेंस, तो दैट मींस 2 पाई आर, तो दैट मींस 44 बाय 7 इनटू 7 44 इज द आंसर। ओके बेटा सेंटीमीटर में ही सब कुछ चल रहा है, तो आंसर 70 ऑब्वियस है, सेंटीमीटर में डील कर रहे हैं तो आंसर सेंटीमीटर में ही चल रहा है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट जो है 19th क्वेश्चन। देखिए बेटा व्हाट इज रिटन इन 19th क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ डायमीटर जो है 35 सेंटीमीटर इन वन रेवोल्यूशन, हमने कैलकुलेट करना है कि वन रेवोल्यूशन में एक जो है वो व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सर्कमफेरेंस होता है। हाँ जी सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इज, वेरी गुड, दैट इज 2 पाई आर। हाँ जी अब बेटा ये 2 आर डायमीटर ही होता है ना, ऐसे स्मार्टली हैंडल किया करो। हाँ जी 3.5 पाई, आंसर देख लेना पाई में तो नहीं है, नहीं है तो पाई की वैल्यू पुट करो एंड गेट योर आंसर। ओके जी क्लियर। हाँ जी नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना भी आंसर आया बेटा मैं सिर्फ मेथड्स बता रही हूं आपको। ओके नाउ कम टू 20th क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट टर्न प्रिंसी बी डैडी। हाँ जी 20th क्वेश्चन इज इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। हाँ जी प्रिंसी फटाफट बताइए कैसे करेंगे, फॉर्मूला बताइए पहले 2 पाई आर, आर यू प्रिंसी? हाँ जी 2 पाई आर लगाया, पाई की वैल्यू पुट कीजिए, यू गेट आर एस 7। ओके अब एरिया का फॉर्मूला प्रिंसी, पाई आर स्क्वायर दैट मींस 22 बाय 7 7 स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके जी हाँ जी नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हुए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अब ध्यान से देखिए उसने कहा पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर एंड एरिया इक्वल है, पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस ही हो गया क्योंकि यहां तो कोई स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं रही, तो 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर इट विल कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल भी हो जाएगा वैसे क्योंकि आर कभी जीरो नहीं होता है ना, तो दैट मींस आर की वैल्यू कितनी आई 2। नाउ व्हाट इज रिटन हियर कि अगर पेरीमीटर एंड एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी आप बोलो दीक्षांत दक्ष क्या कहना चाहते हैं, एक आर से एक आर काटा, एक आर बचा बेटा, तो मेरे पास जो है इधर आर बचा और इधर 2 बचा, स्क्वायर तो कट गया, ये देखो मैंने काटा हुआ ऐसे पहले ही। ओके मैं यही आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि अगर आप जैसे हम आगे क्या करते थे, बच्चों को कहते थे बेटा ऐसे करो पाई आर कॉमन लो, वी टेल देम लाइक दिस कि यू हैव टू डू दीज स्टेप्स, यहाँ शो करो कि आर इज जीरो, 2r माइनस जीरो, r इज 2, जब मुझे पता है r जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर रेडियस जीरो हो गया तो वो तो पॉइंट बन गया, तो मैं क्यों आपको बताऊं कि ऐसे करो क्योंकि हमने तो MCQs करने हैं ना।
okay, these are the shortcut that we are telling you, you can do this, okay. हाँ जी, now next जो है मेरे पास question, हाँ जी बिल्कुल, radius निकालना था बेटा. Now come to next बेटा, मेरे पास question, that is question number 21. देखो आपको form of questions पता लग रही है कि कैसे कैसे चेंज होके क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास, ओके. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल जो है विद रेडियस, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेडियस कैपिटल आर एंड सेंट्रल एंगल पी, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस कैपिटल आर और बिल्कुल पाई आर स्क्वायर पी ओवर 360, ओके जी. अच्छा अब वो वहां जो ऑप्शन दिए ना, अगर आपको मैं बताऊं, दे राइट लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है, दीज ऑप्शन आर गिवन. अब देखिए तीन में से आपको देखना है सॉल्व करके, मेरे पास वो है बिल्कुल जी, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा. आपके पास यहाँ टू एक्स्ट्रा है, दैट मींस टू को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, जब आपने टू किया ऊपर एडजस्ट हो गया, नीचे सिक्स, 360 को टू से करोगे तो कितना बनेगा 720, ओके जी. बेटा आंसर मुझे ये चाहिए था, ऑप्शंस मेरे पास ये हैं, यानी ऑप्शन को सॉल्व करके देखो किसका आंसर जो है ऐसा बन रहा है. पहली ऑप्शन सॉल्व की, पहली बात तो आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर एक इसमें है, किसमें, एम आई राइट, और किसी में नहीं है, तो बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं. पहला माइंड तो हम ये लगाते हैं हिट एंड ट्रायल से जब करते हैं. दूसरा इसको सॉल्व करूंगी तो ये 90 बन गया, तो ये पी पाए आर स्क्वायर बाय 90 आया. इसको सॉल्व करूंगी तो ये पी पाई आर स्क्वायर बाय 360, यही आंसर बनाना था, ओके. चाहत क्लियर, हाँ जी. नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो गए 23rd. नाउ इन द 23rd क्वेश्चन बेटा, इट इज रिटन दैट इफ द रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 एंड 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल. बेटा प्लीज इस चीज को रट लो, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, जो चीज पहले है ना वो अंदर है. इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल मतलब रेक्टेंगल सर्कल के अंदर बनी. अब उसने कहा है ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल बनाई मैंने, किसकी लेंथ ये वाली 8 और ये 6 होगी, आप जैसी भी फिगर बनाओगे. नाउ देन उसने कहा है एरिया ऑफ ए सर्कल एक्सक्लूडेड द रेक्टेंगल, ऐसा सर्कल एरिया का बताना है जो, वेरी गुड, आपको ये वाला एरिया ये बताना है ना, तो सर्कल में से रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का लेंथ भी है ब्रेथ भी है, अब प्रॉब्लम है रेडियस की. हाँ जी कैसे निकालेंगे प्लीज रायना. बेटा वो तो बता दिया आपने, कहा एरिया ऑफ सर्कल माइनस रेक्टेंगल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर कहाँ है मेरे पास, हाउ टू कैलकुलेट, कहाँ से निकालोगे. हाँ जी हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, रेक्टेंगल में ये क्या होते हैं,
90। क्यों इतने चक्रों में पड़े हुए हो? क्लियर कट सा, ये 90 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, ये पता है 10 आएगा, आ गया 10। रेडियस कितना हो गया? अब निकलेगा कि नहीं? ओके बेटा, वी विल मीट टुमारो।